सबसे पहली बात कि मेरी आवाज़ पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ भी थोड़ी खराब आएगी। अब अगर वीडियो पर बात करें तो दोस्तों राजकुमार हिरानी सर ने एक वीडियो डाला है जिसमें हमें संजय दत्त और अर्शद वासी देखने को मिलते हैं, और इस वीडियो के आते ही पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया है। जान दे देंगे इसके लिए। लोगों का पागल होना जरूरी भी है, क्योंकि इस वीडियो में हमें हिरानी सर कहते हुए नजर आते हैं कि मुन्ना भाई इज बैक, और संजय दत्त हमें मुन्ना भाई के प्रॉपर लुक में नजर आ रहे हैं, और इन सब के साथ इसमें हमें अर्शद वारसी भी सर्किट के गेटअप में नजर आ रहे हैं। इससे इतना तो कंफर्म है ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स आपस में मुन्ना भाई मूवी के रिलेशन में ही मिले हैं। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब इससे बहुत सारी थ्योरी निकल कर आ रही है, जिसमें से कुछ थ्योरी सच में बहुत अच्छी है। तो आज हम ऐसे कुछ थ्योरी पर बात करेंगे जो सच हो सकती है और जिसे आगे जाकर पॉसिबल बनाया जा सकता है। सबसे पहली थ्योरी है कि शाहरुख खान की डंकी मूवी में हमें मुन्ना भाई और सर्किट का कैमियो देखने को मिल सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई MBBS ये दोनों मूवी हिरानी सर ने ही बनाई हैं, और शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी को भी हिरानी सर बना रहे हैं। तो अगर वो चाहे तो मुन्ना भाई का कैमियो डंकी मूवी में रख सकते हैं। ऐसे तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी सर को मूवी के प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है किसी भी मूवी को हिट कराने के लिए। लेकिन इस मूवी के साथ अगर मुन्ना भाई का नाम जुड़ गया तो इस मूवी की हाइप एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। हर कोई चाहता है कि मुन्ना भाई और सर्किट जैसे आइकॉनिक करेक्टर को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना, और इस थ्योरी के बहुत ज़्यादा चांस है सच होने का। अब हमें डंकी मूवी के टीजर और ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमें उसी में पता चले कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। सहलेंगे थोड़ा सा। देखो, ये हो सकता है कि ये पूरा मामला सिर्फ डंकी मूवी के प्रमोशन के लिए किया जा रहा हो। मुन्ना भाई और सर्किट की आवाज़ हमें सिर्फ डंकी मूवी के टीजर या ट्रेलर के बैकग्राउंड में ही सुनने को मिले, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसमें हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि डंकी मूवी में शाहरुख खान का करेक्टर और इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी, इसका इंट्रो हमें मुन्ना भाई और सर्किट की स्टाइल में दिया जाए, और इससे ज़्यादा कुछ भी हमें इस मूवी में ना दिखाया जाए, और इस मूवी में इससे ज़्यादा हमें कुछ भी मुन्ना भाई और सर्किट का रोल देखने को ना मिले। इस मूवी की आखिरी थ्योरी है कि सच में हमें मुन्ना भाई का थर्ड पार्ट देखने को मिले। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दोस्त एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है गदर 2। 17 साल पहले आई गदर मूवी का सीक्वल है, उसके बाद भी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर ऐसा ही कुछ राजकुमार हिरानी सर करना चाहते हैं तो ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसा कि हमें मार्वल और DC की मूवी में देखने को मिलता है। उनकी हर मूवी के एंड में उनके आने वाले मूवी के बारे में कुछ हिंट या फिर एंड क्रेडिट सीन रखा जाता है। शायद डंकी मूवी के एंड में मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट का कॉन्सेप्ट सेटअप किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बात सही है। देखो दोस्तों, अब रीजन जो भी हो, लेकिन मैं भी मुन्ना भाई और सर्किट जैसे आइकॉनिक करेक्टर को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ। फिर चाहे रीजन जो भी हो, उनकी एक प्रॉपर मूवी आए या फिर किसी मूवी में उनका कैमियो देखने को मिले। और आप क्या चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना साथ बनाए रखना तरुण थिंकिंग के साथ।